नमस्कार दोस्तों, मैं शबीर वसाया, फाउंडर ऑफ एक्मे कंसल्टिंग हैदराबाद, इंडियाज बिगेस्ट ज्वेलरी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में आपका स्वागत है। आज लाए हैं हम एक सुनहरा मौका, वॉल्यूम वन। ये जो समय है हमारे पास, इस समय से बेहतर समय हमारे पास हो नहीं सकता। जब हम कुछ सीख पाए, सोच पाए, समझ पाए अपने बिजनेस के लिए क्या हो सकता हमारे बिजनेस में, क्योंकि जब शोरूम खुलता है तब हम इतने बिजी रहते हैं पेमेंट ट्रांसफर्स में, इतने बिजी रहते हैं स्टॉक परचेजेस में, इतने बिजी रहते हैं छोटी छोटी चीजों में, बिजी रहते हैं हम सामाजिक कामों में, बिजी रहते हैं हम फैमिली के कामों में, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं होता हम शोरूम के बारे में सोच पाए कि शोरूम में ग्रोथ कैसे होगा, हमारा नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। आज मैंने कुछ सोचा और इस कंक्लूजन पे आया हूं कि मैं अपने ज्वेलरी भाइयों के साथ कुछ बात करूं, कुछ ऐसा नॉलेज शेयर कर पाऊं जो मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में कमाया है। हमने लास्ट 15 साल में 200 से ज्यादा ज्वेलरों के साथ इंडिया और विदेश में काम किया हुआ है, जिसमें 2,500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कंपनीज को हेल्प की हुई है, और छोटे से लेकर बड़े ज्वेलरी स्टोर्स में जहां 5 किलो इन्वेंट्री से लेकर 500 किलो इन्वेंट्री तक हर सीरीज में हर क्लाइंट के साथ काम किया है। और हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट कैसे बढ़े। क्या आप ये सीखना चाहते हैं? आइए समझते हैं कैसे बढ़ेगा। पहली बात तो ये है कि हर ज्वेलरी शोरूम में जो ओनर्स है उनकी एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मेरा सेल्स कैसे बढ़े, मेरा इन्वेंटरी कैसे फास्टर घूमे, मेरा स्टॉक कैसे जल्दी से जल्दी सेल हो। ये चिंता करने वाली चीज नहीं है, इसके ऊपर कुछ काम करना है। आप लगातार कुछ ना कुछ काम करते आए हैं, लेकिन क्या सही में इसके ऊपर समय बिताया है आपने? चलिए ये समझेंगे कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा। एक ज्वेलरी शोरूम में आप अगर 100 ग्राम बिजनेस डेली करते हो, रेगुलर मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे, साल ऑन साल, 5 साल, 10 साल, आप 100 ग्राम डेली बिजनेस करते हो, महीने का 2.5 से 3 किलो बिजनेस करते हो आप, साल का 36 किलो बिजनेस करते हो आप, लेकिन अगर आपका इन्वेंट्री 30, 40 किलो, 50 किलो इन्वेंट्री है, मतलब साल में एक ही बार आपका स्टॉक घूम रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि आप इनाफ साइकिल नहीं घुमाने के कारण प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। इसके लिए बेसिक फंडा, सिंपल एंड स्वीट एक ही चीज है, जो ज्वेलर अपने ज्वेलरी शोरूम में फोकस नहीं कर पाए इस कस्टमर्स। बहुत सारे ज्वेलर्स को हमने देखा हुआ है हमारे करियर में जो कहते हैं बॉस कस्टमर तो आ ही जाएगा, कस्टमर आएगा तो खरीद ही लेगा, हमारे पास इन्वेंटरी बहुत अच्छा है, नया स्टॉक आएगा तो और कस्टमर आएगा। इसको थोड़े साइड में रखते हैं और बाद में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि मैं एज अ ज्वेलरी शोरूम, अगर मैं मेरे शोरूम में एक 10 किलो इन्वेंटरी रखता हूं तो क्या मैं समझता हूं कि मेरा कंज्यूमर कैसा है, मेरा कस्टमर कैसा है, मेरा कस्टमर मुझसे क्या खरीदेगा, किस एज ग्रुप का मेरा कस्टमर है, वो कहां से आता है, कैसे आता है, कितना पैसा स्पेंड करता है, कब कब स्पेंड करता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरा पुराना कस्टमर्स जो मेरे पास आता था वो आना बंद हो गया है, कुछ नए कस्टमर दिख रहे हैं वो भी जो मैं चाहता हूं, जो मैं क्वांटिटी बेचना चाहता हूं वो बिक नहीं रहा है। मेरी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मैं फोन उठा के अपने मित्र से बात करूं, अपने ज्वेलरी भाई से बात करूं और कंफर्म करूं कि भाई तेरा बिजनेस कैसा है, मार्केट कैसा है, तो मार्केट अगर ठंडा है तो मेरा भी ठंडा है तो ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर बड़े ब्रांड्स की बात करेंगे आप, बड़े ब्रांड्स जैसे तनिष्क, कल्याण, टीबीजेड, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो लगातार यही सोचते हैं कि इनका कंज्यूमर कैसे बढ़ेगा, इनका सेल्स कैसे बढ़ेगा, पर स्क्वायर फीट कस्टमर्स कैसे बढ़ेगा, किस समय में कितना कस्टमर बढ़ेगा, सीजन ऑफ सीजन की अगर आप बात करें तो उस समय में टारगेट कैसा रहेगा। अब आते हैं हम कंज्यूमर कैसे बढ़ेगा।
99% ऑफ दी ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्वेलर्स ने जो प्रोप्राइटर है उन्होंने समझा ही नहीं है कि कस्टमर के लिए हमें ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करने की जरूरत है, और 99% ज्वेलर को कोई क्लू नहीं है कि एडवर्टाइजिंग होता कैसे है। होर्डिंग में 199 रुपए लगा दीजिए या 121 रुपए लगा दीजिए या 99 रुपए लगा दीजिए, उससे ज्वेलरी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। उस वक्त का सेल शायद बढ़ सकता है, शायद आपके पुराने कस्टमर जो 400 रुपए ग्राम में आपसे खरीद रहे थे वही 99 रुपए में ग्राम में आके खरीद के जा रहे हैं। मतलब आपका प्रॉफिट और श्रिंक हो रहा है, सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है। और जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगा इन्वेंट्री नहीं घूमेगा। इन्वेंट्री घूमने का एक ही फंडा है, सेल्स ग्रोथ होना। क्योंकि अगर हर टाइम आप इन्वेंट्री एसेस करते रहेंगे तो कितना गलाएंगे आप स्टॉक, बिकॉज आप 6 वेस्टेज 8 वेस्टेज 10 वेस्टेज में माल खरीदते हो। माल खरीदने के बाद उसको अगर गलाएंगे तो नुकसान कितना लेंगे आप। सबसे पहले तैयारी करनी है आपने अपने एडवर्टाइजिंग के फंडों को समझना ही है। एडवर्टाइजिंग मतलब खाली टीवी एड नहीं है, खाली पेपर एड नहीं है, खाली होर्डिंग्स नहीं है, मैसेजेस नहीं है, खाली डिजिटल मीडिया नहीं है, रेडियोज नहीं है खाली। ये पूरा 360 डिग्री बास्केट है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है ATL, अबाउ द लाइन, ऊपर दिखने वाली जो एडवर्टाइजिंग जो जनरल पब्लिक को दिखती है उसको ATL कहते हैं, अबाउ द लाइन। दूसरी होती है BTL, नीचे पूरी मार्केट नहीं देखती है, सिर्फ आप और आपका कंज्यूमर टच में रहता है। जैसे आपने बर्थडे विशेस किया, आपने मैसेजेस भेजे, आपने कुछ इंटरनल कस्टमाइज पार्टी की अंदर स्टोर के अंदर, छोटा एग्जीबिशन किया आपने इंडोर आउटडोर, ये सब चीजें जो है वो BTL में आती है। अभी इसके मायने समझते हैं, इसके एसेंस को थोड़ा डीपर समझते हैं। एडवर्टाइजिंग शुरू करने से पहले या एडवर्टाइजिंग में खर्चा करने से पहले आपको डिफाइन करना होगा आपका कंज्यूमर कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, मैं कौन हूं, मैं एज अ ज्वेलर मेरे कस्टमर को क्या देना चाहता हूं। बहुत सारे ज्वेलरों ने अपने बारे में ब्रीफ किया हुआ है कि हम 100 साल से है, 150 साल से है, हमारी पीढ़ियों से बिजनेस है, हमारा बिजनेस बहुत ट्रस्टवर्दी है, हमारा बिजनेस, हमारे पास कस्टमर आके लाइन में खड़ा रहता है। वो वक्त चले गया भाइयों, वो वक्त चले गया। बहुत ऐसे गिने चुने इंडिया में कस्टमर होंगे जिनके पास लाइन लगती है। अब समय ऐसा आया है कि आपका कस्टमर होने के अलावा अगर आपके पास मंथ ऑन मंथ 10-15% कस्टमर अगर बढ़ता है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए आपको जो स्टेप उठाने पड़ेंगे वो बहुत महत्व के हैं। पहली चीज, आप अपने आप को डिफाइन कीजिए कि मैं मेरे कस्टमर को क्या देना चाह रहा हूं और मैं मेरे कस्टमर को जिंदगी भर मेरे बारे में क्या बोलना चाह रहा हूं। एडवर्टाइजिंग में दो चीजें होती है, एक अपने बारे में इमोशनली जो आप कहते हो उसको थीम कहते हैं, और आप हमेशा लगातार कुछ ना कुछ लालच देते रहते हो उसको स्कीम कहते हैं। आपकी थीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कस्टमर आपसे दिल से जुड़ा रहे। बहुत सारे ज्वेलर चिंता करते हैं कि वहां तो 99 में बिक जाता है, वो 200 रुपए के ग्राम में दे देता है, 150 रुपए के ग्राम में दे देता है, हमारा कस्टमर भी वहां भाग के जा रहा है। आप अगर अपनी थीम को उतना स्ट्रांग बनाए और अपने बारे में लगातार मंथ ऑन मंथ अगले 3 साल तक अपनी थीम के बारे में लोगों को विश्वास दिलाए, और जब कंज्यूमर अंदर आता है और वो थीम को क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये सही बोल रहे हैं, अगर आप कहते हो कि हम प्योर 916 ज्वेलरी देते हैं, हम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचते हैं, अगर कस्टमर अंदर आने के बाद 85 प्योरिटी की, 75 की, 63 की ज्वेलरी अगर आपके शोरूम में पाता है तो वो क्रॉस वेरीफाई झूठ हो जाता है। आपने पहले ये डिफाइन करना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आप लोगों के लिए क्या हो। आप प्योरिटी प्लेयर हो, आप वैरायटी प्लेयर हो, आप डिजाइन दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो और उसको किस तरह निभाओगे। कस्टमर और ओनर, शोरूम ओनर या शोरूम ब्रांड, ये हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रहता है।
जो जिंदगी भर का ट्रस्ट होता है। कहीं भी ट्रस्ट डगमगाया तो रिश्ता टूटा, वहां डिवोर्स हो गया आपका। और ऐसा लगातार हुआ है कि सालों से आप बिजनेस करते आए हैं और आपके कस्टमर के साथ कई बार डिवोर्स हुआ है, कई बार कस्टमर आपका टूटा है और आपने कोई मेहनत नहीं की उसको वापस जोड़ने के लिए। बहुत सारे फंडे आप लोगों ने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लाए हैं, जैसे कस्टमर को बर्थडे विशेस कीजिए, कस्टमर को एनिवर्सरी विशेस कीजिए, उसके घर के बाहर जाके केक और बुके दे के आइए और ये कीजिए। ये एक तरह से ठीक है, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बिकॉज बीटीएल एक्टिविटी में बहुत पेशेंस चाहिए, वन टू वन इंटरेक्शन चाहिए, समय बिताना है। बिकॉज आज देखे आए और ये समझते हैं कि कल वो 100 ग्राम का बाइंग करने आ जाएगा, 150 ग्राम का बाइंग करने आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्टिविटी है, यहां से सेल बहुत स्लो आएगा। एक चीज आप लोग को समझना है कि एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग अपने बारे में आप हर तरह से करते हो। आप जब कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हो तभी भी अपने ब्रांड के बारे में करते हो, जब भी आप होर्डिंग लगाते हो तभी भी आप करते हो, आप पेपर एड देते हो तभी आप करते हो। लेकिन पहले ये समझ ली कि इसको करना कैसे है। बहुत सारी एजेंसीज आपके पास आती है और आपको कहती है आपके ब्रांड को ऐसे बना देंगे, आपको ब्रांड को वैसे बना देंगे, ब्रांड ऐसे बन जाता है, ब्रांड ऐसे नहीं बनता। ज्वेलरी इंडस्ट्री ने यह समझना है ब्रांड की परिभाषा क्या है और ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर समझ में आए तो ही पैसा खर्चा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बिकॉज आप 6 महीना साल के बाद मार्केट में लोगों को बोलोगे ये सब बकवास है, हमने तो 50 होर्डिंग लगाए, रोज न्यूज़पेपर पूरा पूरा पेपर एड दिया, वीडियो बनाए, कस्टमर तो आया ही नहीं, सिर्फ हमारा ही कस्टमर हमसे खरीद के जा रहा। आपको पहले सही गाइडेंस की जरूरत है, सही गाइडेंस की। और इसके लिए हर एक मीडिया अवेलेबल है, आपको गूगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फेसबुक से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जब तक आप श्योर नहीं है कि लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे, तब तक आप एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग यहां वहां पैसा वेस्ट मत कीजिए। जब आपको समझ में आवे कि आप कौन हो, आप क्या ऑफर कर रहे हो, उसका ट्राई जब आप मार्केट में करते हो, कस्टमर कुछ नए वॉक इन देखते हो। आज के जमाने में दूसरे के शोरूम से कस्टमर आपके शोरूम में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने टारगेट तो बना लिया कि इस साल हमने 10 करोड़ का बिजनेस किया तो अगले साल हम 15 करोड़ तो जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके लिए आप अपने स्टाफ को ब्लेम मत कीजिए। आप कहते हो कि मेरा स्टाफ कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, मेरा स्टॉक इन्वेंटरी बराबर नहीं मिल रहा है, मेरे पास कस्टमर भी सही तरह का नहीं आ रहा, तो ये सब रीजन मत दीजिए आप। इससे अच्छा आप एक चीज पे काम कीजिए कि आप अपने शोरूम में कस्टमर जनरेट कैसे कर पाए। स्टाफ की परेशानी, इन्वेंटरी की परेशानी और बाकी जो परेशानियां है उसको हम बाद में बात करेंगे वॉल्यूम 2 में, लेकिन पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आपका शटर ऊपर खुलता है आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि भीड़ आपके शोरूम में रोज लगी रहे और इस भीड़ में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स कैसे कर पाए। पहले कस्टमर अंदर आने का फंडा समझ ले, उसके साथ उसके बाद हम देखेंगे। हम कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास 25,000 कस्टमर के डेटा है, 50,000 कस्टमर के डेटा है, 1,00,000 कस्टमर के डेटा है। जब हम देखते हैं कि साल में हमारे पास हार्डली 20,000 बिल बने हैं तो हमारा 1,00,000 कस्टमर कहां गया? 50,000 कस्टमर डेटाबेस है तो हमारा 30,000 कस्टमर कहां गया जब हम 20,000 बिल बन रहे हैं? हमने ये सोचना है कि हमारा कस्टमर कहां जा रहा है, किससे खरीद रहा है, कहां खरीद रहा है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसके घर में शादी है कि नहीं है, आने वाले दिनों में उसके अड़ोस पड़ोस में शादी है कि नहीं है। ये एक्टिविटी में आपको हर चीज पे ध्यान रखना है। हर साल का बजटिंग आपको अपने नेट प्रॉफिट को देख के पहले ही तैयार कर लेना है। हर साल में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको अगले साल का बजटिंग कर लेना है कि मेरे को ये साल इतना सेल्स ग्रोथ के सामने ये मेरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बजट होगा। उसके बाद आप उसको 4 क्वार्टर में ब्रेक करना है। 4 क्वार्टर में वो क्वार्टर में कौन सी सीजन या कौन सा हाइप
या कौन सा त्योहार आ रहा है। अप्रैल मई जून आप ये समझिए कि आपका इंडिया के अलग अलग सिटीज के हिसाब से अक्षय तृतीया आएगा। थोड़ी बहुत वेडिंग सीजन बाकी होगी जून तक। जुलाई अगस्त सितंबर व्हाइट रहता है गुजरात में और कुछ जगह साउथ में आड़ी मौसम आषाढ़ अच्छा रहता है, डिस्काउंट सीजन रहता है। फिर रहता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिवाली पीक सीजन आता है जहां वेडिंग होता है और पीक सेल्स होता है। फिर होता है जनवरी फरवरी मार्च जहां मकर संक्रांति पोंगल और बाकी सीजन का कैरी फॉरवर्ड होता है। आपने अपने टीम के साथ अपने डायरेक्टरों के साथ अपनी मार्केटिंग एजेंसीज के साथ चार क्वार्टर का प्लान प्रिपेयर करना है। चार क्वार्टर में आपने क्या क्या एक्शन करोगे, जिसमें आप टीवी में कितना खर्चा करोगे अगर आपका बजट है तो, आप होर्डिंग में कितना करोगे, पेपर एड में कितना करोगे, आप कॉलिंग में कितना करोगे, केक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना करोगे, एनिवर्सरी में कितना करोगे, आपके लॉयल कस्टमर को दिवाली अक्षय तृतीया मकर संक्रांति में कैसे टच करोगे, आप हर सीजन ऑफ सीजन में इसको कैसे बाइफरकेट करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेजर कैसे करोगे। अगर आप मेजर नहीं कर पाए कि आपने कितना पैसा खर्चा किया और उसके सामने क्या इंपैक्ट आया, तो दूसरे क्वार्टर का आप तैयारी नहीं कर पाओगे। मेरे भाइयों, आपके लिए ये क्लियर 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 लर्निंग है। ये इसके ऊपर गहराई से सोचिए। अगर आप अपने नॉर्मल दिनों में बिजी होकर इस चीज पे नहीं सोच पाए तो शायद बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा या दिन ब दिन अपने पुराने कस्टमर भी कम होते जाएंगे। इस सारी खेल में, एडवर्टाइजिंग के खेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी कि आपका कंज्यूमर कैसे बढ़ेगा। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन, कि आप लगातार अपने बारे में कैसे और क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आज आप कहते हो कि मैं बहुत सस्ता दे रहा हूं, कल आप कहते हो कि मैं रीजनेबल लगा दूंगा, परसों आप कहते हो इस बार थोड़ा महंगा है क्योंकि डिजाइन नहीं आई हुई है, नर्सों आप कहते हो बिकॉज हमने प्योरिटी चेंज की है इसलिए प्राइस भी चेंज हो गया है। आप अपने कम्युनिकेशन पे नियंत्रण ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए आपका कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट और कंटिन्यूस हो। प्लस आपने लोगों के दिल में बैठना है। अगर आप अपना कम्युनिकेशन लोगों के दिल में नहीं बिठा पाए, अगर आपका ब्रांड, आपका नाम, आपका ज्वेलरी बिजनेस, आप अगर उसके दिल में ना बैठ पाए तो कस्टमर नहीं आएगा। लालच बहुत टेम्पररी चीज है, जैसा मैंने कहा 151, 121, 199 वो उस 2 वीक 3 वीक 4 वीक का कोर्स है। लेकिन अगर आप इससे हटके अगर लोगों के दिल में बैठ पाए तो शायद आपके कंज्यूमर पूल भी बढ़ सकता है, कंज्यूमर टिकट साइज भी बढ़ सकता है, और शायद आपका शायद 2 ग्राम से 3 ग्राम जो एवरेज सेल आ रहा है वो शायद 5 ग्राम पे भी शिफ्ट हो सकता है, 7 ग्राम पे शिफ्ट हो सकता है। इस चीज को कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली निभाना है। अगर आप इसको निभा ना पाए तो लोग आपको भूल जाएंगे। सो आपको कंटिन्यूसली निभाना है, ये ध्यान रखना है, आपने जरूर ध्यान रखना है कि इस चीज को निभाना है। मैं ये प्रोग्राम शबीर वसाया इसलिए कर रहा हूं कि मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूं, मुझे ये मौका मिला इस समय में कि मेरे ज्वेलर भाइयों को मैं एजुकेट कर पाऊं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू ड्रॉप मी व्हाट्सअप, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9959599903। मैं रिपीट करता हूं 9959599903। मैं ये चाहता हूं कि आप इसके ऊपर आज से ही सोचना शुरू करें, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। अगर हो पाए तो आप अपनी एजेंसी से डिस्कस कीजिए कि हमने कहां कहां भूल की हुई है और डिस्कस कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है कि आपकी एजेंसी आपको डिलीवर नहीं कर पा रही है, हमें कॉल कीजिए, हमें बुलाइए, हमें मिलिए, हम ओपन है,
हम इंडिया के हर सिटीज में काम कर रहे हैं, अब जल्द ही अहमदाबाद में आ रहे हैं, हमारा नया ऑफिस सीजी रोड पे, जल्द ही जैसे ही ये मार्केट खुलता है हम अहमदाबाद में होंगे। बस जस्ट वन क्लिक अवे, एक कॉल कीजिए और हम आपसे मिलने आएंगे अहमदाबाद में। इंडिया के लिए ये कॉल नंबर ओपन है 9959599903। कॉल कीजिए और अपने डाउट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।